जिस धनिया को आप सब्जी के साथ फ्री में पाते हैं, क्या आप जानते हैं इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में? धनिया पाचन शक्ति बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने, डायबिटीज, किडनी के साथ कई रोगों में असरदार हो सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल होते हैं जो इसको पावरफुल बनाते हैं। इस वीडियो में हम धनिया के 10 गजब के फायदों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों में हर किसी की रसोई में पकने वाले व्यंजन में हरा धनिया डाला जाता है। यह खाने स्वादिष्ट तो बनाता ही है, साथ ही इसकी खुशबू से खाना और भी टेस्टी लगता है। धनिया का सिर्फ स्वाद ही बेहतरीन नहीं होता, बल्कि ये एक औषधीय पौधा भी है जो कई गुणों से युक्त है। इसके सेवन से कई रोगों से छुटकारा मिल सकता है। धनिया पाचन शक्ति बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने, एंटीऑक्सीडेंट, मिर्गी रोधक और साद रोधी, सूजन कम करने वाले, खून में लिपिड को कम करने वाले, दिमाग की कोशिकाओं को सुरक्षा देने वाले, हाई ब्लड प्रेशर कम करने वाले गुण होते हैं। साथ ही डायबिटीज, किडनी के साथ कई रोगों में असरदार हो सकता है। इसमें प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल होते हैं जो इसको पावरफुल बनाते हैं। इसके अलावा हरे धनिया में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरेटीन, थियामिन, पोटेशियम और विटामिन सी भी पाया जाता है। हरा धनिया को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रामबाण माना जाता है। डायबिटीज रोगियों के लिए हरा धनिया किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। इसके नियमित सेवन से ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। कई शोधों में सामने आया है कि धनिया आपकी किडनी के लिए फायदेमंद होता है। धनिया में कई ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हरा धनिया न सिर्फ पेट की समस्याओं को दूर करने में फायदा देता है, बल्कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी लाभकारी हो सकता है। पेट की समस्याओं जैसे पेट में दर्द होने पर आधा ग्लास पानी में 2 चम्मच धनिया डालकर पीने से पेट दर्द से राहत मिल सकती है। हरा धनिया न सिर्फ खाने को महक देता है, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। हरे धनिया में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसके लिए कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित व्यक्ति को धनिया के बीजों को उबालकर इसके पानी को पीना फायदेमंद हो सकता है। धनिया आपके शरीर में खून को बढ़ाने में तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही यह आयरन से भरपूर होता है, इसलिए एनीमिया को दूर करने में फायदेमंद हो सकता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, विटामिन ए और सी से भरपूर होने के कारण धनिया कैंसर से भी बचाव करता है। हरे धनिया में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है जो आंखों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। रोजाना हरे धनिया का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नंबर 1, धनिया की तासीर। धनिया की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका उपयोग पेट की समस्याओं के लिए भी किया जाता है। धनिया काफी स्वस्थ लाभ प्रदान करता है, पर ध्यान रखें कि इसका अधिक सेवन भी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नंबर 2, धनिया का पानी फॉर वेट लॉस। यदि आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और वसा को जलने वाले खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं तो आपका वजन कम हो सकता है। इसलिए अगर आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो धनिया के बीज का उपयोग करें, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके लिए आप 3 बड़ी चम्मच धनिया के बीज को 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधे से कम हो जाए तो उसे छान लें और प्रतिदिन 2 बार इसका सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार धनिया के बीज से बना काढ़ा रक्त में लिपिड के स्तर को कम कर देता है। इसके बीज और पत्तियों में मौजूद स्टेरॉल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के और शोषण को रोकते हैं, जिससे वजन नहीं बढ़ता है। नंबर 3, धनिया का पानी फॉर थायराइड। यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे थायराइड की समस्या है तो आप धनिया के बीज का सेवन करें। इसका उपयोग हार्मोन को नियमित करता है। इसमें उच्च प्रकार के विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो थायराइड की समस्या में बहुत लाभदायक होते हैं। इसके लिए आप धनिया का काढ़ा, धनिया की स्मूदी या धनिया का पानी अपने आहार के रूप में उपयोग करें। नंबर 4, धनिया खाने के फायदे पाचन के लिए। यदि आपको पाचन संबंधित समस्या है तो धनिया का सेवन करें। यह सूजन को भी कम करने में मदद करता है। धनिया पाचन तंत्र के अन्य लक्षण जैसे गैस, सूजन और चिड़चिड़ापन आदि से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसका उपयोग आंतों को पोषक तत्वों से बेहतर ढंग से और शोषित करने में मदद करता है। इसके लिए आप नारियल के दूध और ककड़ी या तरबूज जैसे अन्य ठंडे पदार्थों के साथ 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज को मिलाकर स्मूदी बना लें और सेवन करें। नंबर 5, धनिया पाउडर के फायदे एलर्जी। धनिया ठंडा होता है, इसलिए एलर्जी को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह एलर्जी के आम लक्षणों जैसे पीती, खुजली और सूजन को दूर करने में मदद करता है। इसे त्वचा पर उपयोग करने के लिए 1 चम्मच शहद और 0.5 चम्मच पीसे हुए धनिया को मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और 5 से 10 मिनट के बाद धो लें।
यदि आपके मुंह या गले में सूजन है तो धनिया के बीज की चाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसके लिए आप एक कप पानी में एक छोटा चम्मच पिसे हुए धनिया का बीज उबाले, अब इसको गर्म गर्म पीजिए। आप चाहे तो इसमें स्वाद के लिए शहद भी डाल सकते हैं। आप धनिया के बीज को ठंडे खीरे या अजवाइन के ठंडल के रस में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 6, धनिया का तेल दे गठिया से राहत। धनिया के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण इसका उपयोग गठिया से राहत पाने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आप शिया मक्खन, नारियल का तेल या फिर अपने पसंदीदा खुशबू रहित लोशन में आधा छोटा चम्मच धनिया के बीज का पाउडर मिलाकर लेप लगाएं। यह बहुत ही फायदेमंद होगा। धनिया के बीज का तेल भी गठिया के लिए लाभ होता है। इसके लिए आप एक बड़ा चम्मच नारियल तेल, जैतून का तेल या अंगूर के बीज के तेल में 5 बूंद धनिया के तेल को मिलाकर अपने जोड़ों पर मालिश करें। या फिर आप दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी तेल जैसे लोबान का तेल, टी ट्री ऑयल, तेज पत्ते का तेल, नींबू का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 7, धनिया के औषधीय गुण मासिक धर्म के लिए। अत्यधिक मासिक धर्म के प्रवास से पीड़ित महिलाओं को उबले धनिया के बीज के पानी का सेवन करना चाहिए। यह रक्त स्राव को नियंत्रित करता है। धनिया में मौजूद आयरन रक्त की कमी को पूरा करने में मदद करता है। यह शरीर में ऊर्जा के स्तर में भी सुधार करता है। धनिया मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय की एंट्रन से राहत दे सकता है और इस समय के दौरान हार्मोन्स को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मासिक धर्म चक्र की नियमितता में सुधार करता है। नंबर 8, धनिया के बीज के फायदे डायबिटिक के लिए। धनिया का बीज इंसुलिन की गतिविधि को बनाए रखने और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। अतः स्रावी ग्रंथियों पर धनिया के उत्तेजक प्रभाव के कारण अग्न्याशय में इंसुलिन का स्राव बढ़ता है। यह अन्य सामान्य चयापचय कार्यों के ठीक से होने के लिए रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से कम करता है। इसके लिए आप धनिया पाउडर या धनिया बीज का उपयोग करी, सूप, अचार, रस में कर सकते हैं। आप धनिया के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 10 ग्राम कुटे हुए धनिया के बीज को पूरी रात पानी में भिगोने के लिए रख दें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। नंबर 9, साबुत धनिया के फायदे त्वचा के लिए। धनिया में कीटाणुनाशक, विषहरण, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो एक्जिमा, सूखेपन और फंगल संक्रमण जैसे त्वचा विकारों को साफ करने में मदद करते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि धनिया कई एंटीऑक्सीडेंटों में समृद्ध है जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं। विटामिन ए एक महत्वपूर्ण घुलनशील विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है जो बलगम, झिल्ली और त्वचा स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, जो उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोकने में मदद करता है जैसे लूज स्किन, झुर्रियों, रजकांत आदि। नंबर 10, धनिया का रस बालों के लिए। धनिया का रस नए बालों के विकास में मदद करती है और बालों को झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाती है, क्योंकि इसमें आवश्यक विटामिन और प्रोटीन होते हैं जो बालों के विकास में मदद करते हैं। आप पानी की कुछ बूंदों का उपयोग करके धनिया के ताजे पत्तों का पेस्ट बना लें। शैम्पू करने से 1 घंटे पहले इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं। प्रभावी परिणाम पाने के लिए 2 से 3 सप्ताह में इसको 2 बार इस्तेमाल करें। आप पानी में धनिया के पत्ते को उबालकर उसे ठंडा करके अपने बालों को भी धो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।